हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफाज़ रसोई। और आज हम एक स्नैक आइटम बना रहे हैं जो आप किटी पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं या बच्चों के किड्स पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं। तो हम बना रहे हैं चिकन एंड हालापिनो सैंडविचेस। सो फ्रेंड्स, चिकन और हालापिनो सैंडविचेस के लिए हमने यहाँ पे हालापिनो ले लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मिर्ची है मैक्सिकन और ये इस तरह से मोटी मोटी होती है और ये विनेगर में सोक्ड होती है। ये तो सारे के सारे जो हमारे सुपरमार्केट से उसमें इजीली मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो हमारी इंडिया में जो मिलती है भाजी वाली, जिससे हम पकोड़े बनाते हैं, हरी मिर्ची, वो ऐसी मोटी होती है। जो हैलोपिनोज होते हैं वो इतने से छोटे छोटे होते हैं, और ये जो है इसे आप जो पकोड़े वाली जो मिर्ची है आप उसे विनेगर में डुबा के रखेंगे सॉल्ट के साथ 2 से 3 दिन, तो आपकी भी जो मिर्ची है वो इस तरह से हो जाएगी। दूसरा जो हम मैंने यहाँ पे तैयारी करके रखी है, तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है और मैंने उसे बॉईल किया है नमक के साथ, 1/2 टीस्पून चुटकी भर हल्दी, और मैंने 1/2 ही टीस्पून रेड चिली पाउडर कश्मीरी लिया है और 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन लेके मैंने उसे बॉयल करके इस तरह से श्रेड करके रखा है। तो ये तैयारी आप भी करके रखेंगे तो आपके सैंडविचेस बहुत ही इजीली और जल्दी से बन जाएंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि पैन में 2 टेबलस्पून बटर ले लेंगे। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप तेल और बटर दोनों का ही इस्तेमाल कर लेंगे। फ्लेम जो है मेरी बहुत ही लो पे है ताकि ये जो हमारा बटर है वो जले ना। ये हमारा बटर अभी पकते ही रहेगा, तो जब तक ये मेल्ट हो रहा है मैं उसमें डालूँगी एक बहुत ही छोटे साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बहुत ही फाइनली चॉप किया है, और इसे बस हम हल्का सा इसके अंदर अब सॉटे कर लेंगे। बस हमें ज़्यादा इसे ब्राउन वगैरह नहीं करना है, हल्का सा। बीन्स जो है हमारे बहुत ही अच्छे से सॉटे हो चुके हैं, तो अब मैं उसमें हैलपिनियोज ऐड करूँगी जिसे मैंने चॉप कर लिया है। और मैंने आपको इसकी कोई क्वांटिटी नहीं बताई है क्योंकि इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, आपका जितना दिल चाहे आप उतने डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको हैलपिनियो बस ये सैंडविचेस के लिए अगर बनाना है पकोड़े वाली मिर्ची से, तो आप 2 से 3 आप मिर्ची ले लीजिए, उसे इस तरह से स्लाइस कर लीजिए और फिर बाद में आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं जो चिकन है इसके अंदर पूरा का पूरा इसमें ऐड करके हम उसे हाई फ्लेम पे सॉटे करेंगे, जब तक कि ये जो है हमारा मिक्सचर अच्छा सा फ्रेश और गरम गरम हो जाए। तो बेसिकली अच्छे से ये सॉटे हो जाना चाहिए। सो अगले 2 से 3 मिनट तक मैं इसे हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई कर। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा मिक्सचर बहुत ही अच्छे से सॉटे हो गया है, तो अब मैं इसका जो फ्लेम है ऑफ करूँगी और अब मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी। तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें आप इसी पॉइंट पे हमें चीज़ ऐड करना है। तो मैं आपको ये कह रही थी कि अगर आप चाहते हैं तो फिर आप चीज़ स्लाइसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उसे सैंडविच में लगा सकते हैं। तो मैंने फ्लेम ऑफ किया है, ये मैं आपको याद दिला दूँ, और अब मैं इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करूँगी। तो हमारा जो चीज़ है इस पॉइंट पे गर्मी में, पैन की गर्मी में, चिकन की गर्मी से ये इसमें पिघल जाएगा और हम वेट करेंगे कि ये हमारे जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। चीज़ जो है वो मैंने 1/2 कप लिया है और ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि लेडीज़ के किटी पार्टीज़ के लिए भी आप इसे बना सकते हैं, तो यू कैन स्किप द चीज़। या फिर बच्चों के पार्टी के लिए बना रहे हैं तो ज़रूर आप और चीज़ डाल सकते हैं। मैंने तो सिर्फ 1/2 कप डाला है, लेकिन आप अराउंड 1 कप का भी डाल सकते हैं। चिकन जो है हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। यहाँ पर मैं मेयोनीज़ ली हूँ, तो इसके जगह पे जो मैं ऑप्शंस आपको बताऊँगी वो है आप चीज़ स्प्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप क्रीम चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी मेयोनीज़ क्योंकि मेरे पास अभी वही है। तो ये हम इसमें मिलाएंगे, इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है। बेसिकली ये रेसिपी इतनी ईजी है कि आप कोई भी आपकी मनपसंद क्वांटिटी के साथ इसे बना सकते हैं। तो बस हमें उतना ही लेना है जितना कि हमारे चिकन को बाइंड करने के लिए लगेगा। दूसरा, यहाँ पर मैंने जो है ब्रेड को एक साइड से इस तरह से मैंने इसे ग्रिल कर लिया है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रा डिश आउट करते हुए बहुत ही अच्छा और फैंसी लगता है।
बट आपकी चॉइस है आपको करना है या नहीं करना है। तो हम सबसे पहले ये जो मेयोनीज है इस चिकन में डाल के उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इतने से 200 ग्राम्स के चिकन, बोनलेस चिकन के लिए मैंने एक कप के करीब मैंने मेयोनीज लिया है। अगर मुझे और ज़रूरत होगी तो मैं और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मुझे और मेयोनीज की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनफैक्ट मेरा मेयोनीज थोड़ा सा रह गया है। तो मेरे ख्याल से आप 3/4 कप इज़ ऑलमोस्ट इनफ फॉर दिस अमाउंट ऑफ चिकन। और यहाँ पर हम फिलिंग करेंगे ब्रेड के ऊपर, इसके हम एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद हम कुछ वेजीज अपने चॉइस के लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टमेटो का इस्तेमाल करूँगी और कुकुम्बर फ्रेश मेरे पास नहीं है इसलिए मैं पिकल्ड कुकुम्बर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे गर्किन्स कहते हैं, ये भी इजीली मॉल्स में मिल जाता है। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि हम क्या करेंगे, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो ये हमने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, तो जो साइड पर हमने ग्रिल नहीं किया है हम उसे ही यहाँ डालेंगे। और एक एक बात, अगर आपको कॉर्नर्स पसंद नहीं है तो आप ये सैंडविच बना के आप पहले कॉर्नर्स काटेंगे और फिर आप उसे अरेंज कर देंगे। हमारे यहाँ पे कॉर्नर्स बहुत पसंद किए जाते हैं, स्पेशली मुझे कॉर्नर्स बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं इनक्रेज करती हूँ अपने बच्चों को भी कि कॉर्नर्स भी खाना चाहिए। और वैसे भी ये फूड का जो वेस्टेज है मुझे पसंद नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे काफ़ी जेनरसली लगाया है इस बैटर को। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास हैलोपिनो नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसे कैप्सिकम डाल के आप बना लीजिए, आप अपने वेरिएशंस कर लीजिए। इसके पहले भी मैंने चिकन के एक सैंडविच बनाई है, वाइट सॉस एंड चिकन सैंडविचेस, तो उसमें मैंने कॉर्न का इस्तेमाल किया था। तो आप भी वैसे ही बना सकते हैं, उसका लिंक भी मैं वीडियो पे दे दूँगी। अब ये दूसरा जो स्लाइस है उसके भी एक साइड पर मैं अच्छे से इसे लगा दूँगी। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से इसे सर्व करना है, कि आप उसे पूरा एज अ होल सर्व करेंगे या फिर आप काट के इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने इस पे यहाँ डाल दिया है, मैं इसे हल्के से दबा दूंगी और मैं इसे जो है काट के सर्व करने वाली हूँ। तो ये हम इसको हाफ में कट करेंगे। और इसे मैं और हाफ में कट करूँगी, वो डिश आउट होते हुए बड़े अच्छे लगते हैं ये, एंड अच्छे दिखते हैं, फैंसी दिखते हैं, एंड जो लोग हैं उनको भी आसानी होती है इसे खाने में, स्पेशली किटी पार्टीज़ में वेस्टेज कम होता है खाने का। तो ये देखिए आप, इट लुक सो नाइस। तो आपका मर्जी है आप किस तरह से उसे काटना चाहते हैं। तो ऐसे ही मैं दूसरा एक और एक सैंडविच बना के आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे चिकन और हैलोपिनो सैंडविचेस रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी फिलिंग है और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो फिर आप ज़रूर इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।